दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 300 वाला आपको होमवर्क दिया गया था। तो सॉल्व कर लिया है या सॉल्व करना बाकी है? सॉल्व कर लिया है या सॉल्व करना बाकी है? सॉल्व कर लिया है, चलो फिर सॉल्व कर लिया तो फिर आंसर बताइए। सॉल्व कर लिया है तो फिर आंसर बताएं। चलिए आंसर बताइए। चलो ठीक है, मैं आंसर लिखता हूँ, आप चेक करके देखो। मैं आंसर लिखता हूँ, आप चेक करके देखो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा। सी टू बी इज द प्रिंसिपल चेन, करेक्ट है। चलिए बी टू सी या सी टू बी जो भी बोले, तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बी से या सी से? सी से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 1, 2 2, दोनों पे सब्ट्यूशन, 3 सब्ट्यूशन, 3 पे सब्ट्यूशन, 4 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 5 पे यहाँ पर सब्ट्यूशन है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए। अब जब नेम लिखने चलेंगे आप, तो सबसे पहले ये देखो आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले इसका नेम लिख लेते हैं हम। जब इसका नेम लिखोगे तो 1-2-3-4- इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम क्या हो जाएगा आपके पास? 3-क्लोरोब्यूटाइल, 3-क्लोरोब्यूटाइल। अच्छा दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, 8 पे इथाइल है और 2-3-9 पे 3 मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल कह सकते हैं। अब जब नेम लिखेंगे आप, तो सबसे पहले ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सी से स्टार्ट है नेम ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये कहाँ पर अटैच है पूरा का पूरा ग्रुप, 5 पे अटैच है। 5 देन ब्रैकेट 3- यहाँ पर क्लोरोब्यूटाइल। बाकी इसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, तो 8 इथाइल। फिर क्या आ गया आपके पास? फिर आ जाएगा आपके पास 2,3,9 ट्राई मिथाइल, ट्राइमिथाइल। और कितने हो गए कार्बन? 10 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डेकेन आ जाएगा। बताओ सभी लोगों का क्लियर है? बताइए सभी का क्लियर है? ए बी प्रिंसिपल चेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम है और वहीं पर बी सी में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसमें कम है और इसमें ज्यादा है, वहां पर 1 सब्स्टिट्यूशन है और इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है। सभी का क्लियर है? ये सवाल भी आपको दिया था होमवर्क के तौर पर, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये सवाल ठीक है। ये बताइए, ये हो गए सभी से? लास्ट स्लाइड, जल्दी करो।
चलिए बताओ, ये वाला सवाल सभी से हो गया क्या? क्या ये वाला सवाल सभी से हो गया? क्या ये वाला सवाल हुआ क्या सभी से? चलो देखो, ये वाला सवाल आप अभी नहीं कर सकते, ये वाले सवाल के लिए एक थियरी पार्ट बचा हुआ है, पहले वो करेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये ए लिखूं, ये बी लिखूं, ये सी लिखूं, तो प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? देखिए, इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक जंक्शन ढूंढा, इसके अबाउट ही दिक्कत आ रही है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हर साइड कितने हैं? 4 4 4 कार्बन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले से नहीं हो सकता कि हर एक चेन ऐसे लिखे, ए टू बी, ए टू सी एंड बी टू सी, सभी में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 9 9 9 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन सभी में क्या आ गए? सेम आ। अच्छा, अब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो आप ए टू बी चल, ए टू बी पे चलेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर, दूसरा ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ए बी के लिए, तीसरा सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर और चौथा यहाँ पर, तो यहाँ पर चार सब्स्टिट्यूशन है। ए टू सी चलेंगे, ए टू सी चलेंगे तो यहाँ पर एक एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तीन सब्स्टिट्यूशन है। और बी टू सी चलेंगे, एक ये दो ये तीन ये चार, इसके पास भी कितने हैं? चार सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया कि ए टू सी हमारा प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकता, हमारा प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे ए बी और बी सी में कंपेयर करते हैं। तब देखो, हमने दो रूल पढ़ रखा है, हमने दो रूल पढ़ रखा है। एक रूल हमारा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, एंड द नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट हियर बोथ ऑफ देम आर सेम, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन सेम हो गए। तो बोलता है आप क्या करें, तो ये कहता है जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल आपने पढ़ा है ना नंबरिंग के लिए, आप वो रूल को प्रिंसिपल चेन के लिए भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एंड सब्स्टिट्यूशन आर सेम इन टू और मोर देन टू चेन, देन द चेन विथ लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल चेन। अब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट लिखते हैं हम, किस किस के लिए लिखें? तो चलो पहले हम ए बी के लिए सेट बनाते हैं। अच्छा, ए बी के लिए जब आप सेट बनाओगे तो आपको पहले नंबरिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप नंबरिंग किधर से करें। तो एक एक पे कुछ नहीं, दो यहाँ पर कुछ नहीं और यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कौन कौन से आ गए हमारे पास? आ गया आपके पास 2, आ गया आपके पास 3 पे, आ गया आपके पास 5 पे, आ गया आपके पास 7 पे, दूसरे वाले में। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है, तो 1 1 पे कुछ नहीं, 2 2 पे यहाँ पर कुछ नहीं, नंबरिंग यहीं से चालू होगी, 5 फिर यहाँ पर 6 7 8 9। और अभी सेट ऑफ लोकेंट जब आप लिखेंगे तो 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3, देन कॉमा 5 5, फिर कॉमा 6। अभी कंपेयर करने हैं, 2 2 सेम हो गए, 3 3 सेम हो गए, 5 5 सेम हो गए। आप 4 एंड 6 में कंपेयर, सॉरी 7 एंड 6 में कंपेयर करेंगे, तो 6 क्या हो गया हमारा, अप टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे 6 लोअर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल चेन डिसाइड करेगा। तो बी टू सी क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। बताइए सभी को क्लियर है ये? सभी को क्लियर है? तो अब इसका नेम लिख सकते हो, तो क्या आप इसका नेम अभी लिख सकते हैं? चलो मैं लिख ही देता हूँ, नेम लिखता हूँ इसका मैं, बी टू सी हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। तो अब मैं इसके नंबरिंग को इरेज कर देता हूँ, इसके नंबरिंग को इरेज कर देता हूँ और अब नेम लिखता हूँ।
तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश और ये 4 डैश। अब जब नेम लिखेंगे आप यहाँ पर, तो नेम में क्या आ जाएगा सबसे पहले, तो ये 2 डैश मिथाइल, 1 2 3 4 है ब्यूटाइल है, और बाकी सभी जगह पे मिथाइल है। तो मैं लिखूँ यहाँ पर 2,3,6 ट्राई मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, और कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो क्या लिख लेंगे, नो नेन लिख लेंगे। बताइए सभी को क्लियर है, बताइए क्लियर है सभी को, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको और रिप्लाई कीजिए, नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। चलो ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में सेम क्वेश्चंस हैं, तो चलो 6 रहने दो, 6 में ऑलमोस्ट सेम सवाल है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, ठीक है थोड़ा थोड़ा अलग तो है। ठीक है ओके okay। एक सेकेंड ठहरिए, ओके साइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा, नॉन साइक्लिक, चलो अब करो ये वाला सवाल। सॉल्व कीजिए जल्दी से।
बाकी लोग आंसर करें, बाकी लोग आंसर करें, बाकी लोग आंसर कीजिए। ये बताए कि इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा है, प्रिंसिपल चेन बताए। ए टू बी, तो देख चेक कर लेते हैं। ये तो फिक्स है कि या तो बी टू ए होगा या तो बी टू सी होगा, क्योंकि यहां पर तीन सब्स्टिट्यूशन है और नंबर ऑफ कार्बन भी 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। चलिए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन चेक करें, बी टू ए में चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग चलो 6, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन 6 है। इस वाले में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी 6 हो गए। अभी क्या करना है, सेट ऑफ लोकेंड डिसाइड करते हैं। तो चलो बी टू सॉरी ए बी में नंबरिंग बताओ किधर से होगी, ए से होगा या बी से नंबरिंग होगा। ए से नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 पे आ गया पहला, फिर 3 पे आ गया, फिर 5 पे आ गया, फिर 7 पे आ गया, फिर 8 पे और फिर 9 पे और ब्रैकेट बंद। इस वाले में चला, बी टू सी में चला, तो बी टू सी में चलेंगे तो 1 बी टू सी में नंबरिंग कर, बी टू सी में नंबरिंग करने चलो, 1 1 पे कुछ नहीं, 2 2 पे कुछ नहीं, 3 3 पे आ गया, 4 4 पे आ गया, 5 5 पे आ गया। अब कैसे किधर से करोगे बताओ, बीसी में नंबरिंग किधर से करोगे, बीसी में बताओ नंबरिंग किधर से करोगे। बीसी में बताए नंबरिंग किधर से करेंगे, कहीं से भी, कहीं से भी करना होता फिर तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, किधर से भी कहीं से भी कुछ भी कर लेते, नेम लिख लेते, कुछ भी लिख लेते, मान लेते कि हमारे लिए यही सही है, तो वही हो जाता हमारा है।
बाकी लोग बताएं, आंसर बताएं। बड़े मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 रिप्लाई आए हैं बस। बाकी लोग आंसर बताएं। दोनों में कहीं से नहीं कर सकते। दोनों एंड आइडेंटिकल नहीं है। चलो देखो यहां पर, तो इधर से भी चलोगे तो सब्स्टिट्यूशन इधर से भी सेम सेट आएगा, इधर से भी सेम सेट आएगा। अब देखते हैं अल्फाबेटिकली किधर से सब्स्टिट्यूशन पहले आता है। यहां पर चेक कीजिए, मिथाइल मिथाइल सेम है, मिथाइल मिथाइल सेम है। यहां पर ये क्या है, डाई मिथाइल ब्यूटाइल, और ये क्या है, मिथाइल डाई मिथाइल ब्यूटाइल। क्या होगा, ब्रैकेट में आएगा, इसका नेम लिखोगे। इसका नेम मैं इधर लिख ही देता हूँ। हम इसका अगर नेम लिखेंगे, अगर ये सब्स्टिट्यूशन बनता है तो क्या होगा, यहाँ पर ये 1 2 3 2 3 डाई मिथाइल है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर ये बने तो ब्यूटाइल, अगर ये बने तो हमें तो अभी मान के करना है कि यही सब्स्टिट्यूशन है हमारे लिए। तो डाई मिथाइल ब्यूटाइल हो गए ना, डाई मिथाइल ब्यूटाइल डी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इधर से ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका सेट डिसाइड कीजिए, तो आ गए आपके पास 3, 4, 5, 7, 8, 9। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यहीं पर मिल गया, कौन लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट है। तो प्रिंसिपल चेन कौन सा आ जाएगा, B2A या A2B विल बी द प्रिंसिपल चेन। बताइए क्या सभी को ये क्लियर है, बताइए क्या सभी को ये क्लियर है। चलिए तो अब नंबरिंग कर लिया, तो हमारे लिए प्रिंसिपल चेन क्या हो गया, A2B हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। तो बचे हुए पार्ट को मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी। अब मैं नेम लिखना चालू करता हूँ। चलो नेम लिखेंगे, ये 1-2-3-4। अभी नेम देखो क्या क्या आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास आएगा 5, और ब्रैकेट ब्रैकेट में आ जाएगा 1-2, यहाँ पर डाई, ये डी कैपिटल में रहेगा, रिमूव करना पड़ेगा फिर। डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल, डाई मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट बंद। बाकी 5 क्या हो गया हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2, 3, 7, 8, 9, देन पेंटा मिथाइल। पेंटा मिथाइल कितने कार्बन है, 11 कार्बन है, तो अन डे केन। बताइए सभी को क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सभी को, किसी को भी डाउट है तो पूछिए। जल्दी से नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए हम लोग, नमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, नमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। चलो तो पहले देखें हम लोग
साइक्लिक कंपाउंड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तब देखो साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहला चीज हम लोग साइक्लिक असाइक्लिक को क्लब करके देखते हैं कि क्या होता है, फिर साइक्लिक का नेम लिख के देखेंगे क्या आता है नेम। हम पहले एक साइक्लिक और असाइक्लिक का रिलेशन चेक करते हैं, क्या रिलेशन है। अभी देखिए आपसे कहा जाएगा कि प्रिंसिपल चेन ढूंढ, तो बच्चे क्या सोच सकते हैं। देखो जनरली बच्चे तो नहीं सोचते ऐसा, मगर कुछ लोग होते हैं सुपर टैलेंटेड, मतलब जिस डायरेक्शन में उनको ले जाओ वो उस डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, उनको एडवर्स डायरेक्शन ज्यादा पसंद होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे सोच सकते हैं कि सर नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर नंबरिंग हमने यहाँ से की तो क्या ये कभी साइक्लिक बनेगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये चेन तो बिल्कुल इस टाइप का चला गया ना, इस टाइप का हो गया ना, तो यहाँ पर तो कुछ आया ही नहीं, साइक्लिक का पार्ट तो कुछ आया ही नहीं, रिंग का पार्ट तो आया ही नहीं। रिंग क्या होता है, जब एक पॉइंट से चालू हो और दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुंच जाए, यहाँ से चालू हो दोबारा यहाँ पहुंचना चाहिए था हमें, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये नंबरिंग हमारा बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है, तो हम इसको रिमूव करते हैं। तो कहते फिर नंबरिंग कैसे करें, कहते देखो ये क्या कहता है कि ये जो एक कार्बन है, कहता नंबरिंग ऐसे करो कि साइक्लिक को अलग कर लो और असाइक्लिक को अलग कर लो। तो ये बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कर सकते, मगर बात ये है कि ये जो कार्बन है ये तो साइक्लिक का भी पार्ट है और असाइक्लिक का भी पार्ट है, कॉमन कार्बन है, इसका क्या करें। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि क्या कीजिए, हमेशा जो ये कॉमन कॉमन वाला कार्बन एटम है, कॉमन एटम है साइक्लिक असाइक्लिक का, वो कॉमन एटम हमेशा साइक्लिक का पार्ट होता है, असाइक्लिक का पार्ट नहीं होता। मतलब अगर मुझे चेन ढूंढना है तो सबसे पहले क्या करें, साइक्लिक और असाइक्लिक को ज्वाइन करने वाला बॉन्ड को बीच से कट कर लें। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल चेन है। प्रिंसिपल चेन कंपेरिजन करने के लिए जो रूल्स हमने पढ़े हैं ना, हम वो सारे रूल्स लगाए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले साइक्लिक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको डिस्कस करें। क्या कह रहा है ये, इफ कंपाउंड है बोथ बोथ द चेन साइक्लिक एंड असाइक्लिक, ओनली वन कैन बी कंसिडर्ड टू बी प्रिंसिपल चेन अमोंग साइक्लिक एंड असाइक्लिक चेन। तो साइक्लिक और असाइक्लिक चेन में, साइक्लिक और असाइक्लिक चेन में दोनों में से कोई एक ही प्रिंसिपल चेन हो सकता है, दोनों ही हमारा कंबाइन करके प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक, तो कौन से दोनों, तो साइक्लिक और असाइक्लिक के बीच का बॉन्ड को कट कर देंगे, तो एक पार्ट ये हो गया दूसरा पार्ट ये हो गया। अब चाहे ये प्रिंसिपल चेन हो सकता है, चाहे ये प्रिंसिपल चेन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट पढ़िए क्या दे रखा है, द कार्बन विच इज कॉमन इन बिटवीन साइक्लिन असाइक्लिक चेन विल बी काउंटेड इन साइक्लिक चेन नॉट ऑन इन साइक्लिक चेन। क्या कह रहा है ये कि वही चीज बता रखा है, जो कॉमन कार्बन है उसको हमेशा हम लोग कहाँ काउंट करते हैं, तो उसको हमेशा हम लोग साइक्लिक पार्ट में काउंट करते हैं, असाइक्लिक पार्ट में काउंट नहीं करते। क्लियर है, बताओ यहां तक की बातें क्लियर है। चल अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि जैसे देखो यहां पर है, अब हमें कट करने हैं, तो प्रिंसिपल चेन हमें निकालना है, हमने कट किया, तो अब दोनों में प्रिंसिपल 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में निकालने हैं कि कौन सा प्रिंसिपल चेन होगा। तो प्रिंसिपल चेन के लिए जो रूल्स पढ़े हैं ना, हम वो रूल्स लगा लेंगे। कहते ठीक है, क्या रूल पढ़ा है, तो हम कहते नंबर ऑफ कार्बन नहीं, हमने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि प्रिंसिपल चेन के लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। मगर दुर्भाग्य ऐसा है कि अभी तक हमने मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं कर पा रहे, हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मगर ये भी है, आगे पढ़ेंगे, ये भी अप्लीकेबल है और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से इसको फर्स्ट में लिखा है ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इसको हमेशा क्लब करके लिखा है। तो ये दो पॉइंट तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसके बाद देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर 7 है इधर 6 है। द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विल बी द प्रिंसिपल चेन। दोनों चेन में देखो कौन ज्यादा कार्बन कंटेन किया हुआ है, तो असाइक्लिक किया है तो ये प्रिंसिपल चेन आ जाएगा। अब वाले में इसको चेक कीजिए, 1 2 3 4, इधर कितने हैं, 6 हैं, इधर 4 हैं, इसके पास ज्यादा कार्बन है तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन आ जाएगा।
यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल चेन था। अच्छा, ये कहता है कि कुछ ऐसे भी कंडीशन होंगे कि जहां पर दोनों ही क्या हो जाए, सेम हो जाए, 1 2 3 4 5 6। तो कहता अब बताओ कौन सा चेन होगा। ये कह रखा है देखो यहाँ पर, इफ अबव ऑल आर सेम, इफ अबव ऑल आर सेम देन द प्रिफरेंस इज गिवेन टू साइक्लिक चेन, देन द प्रिफरेंस गिवेन टू साइक्लिक चेन। तो साइक्लिक को प्रेफरेंस देंगे अगर दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गए, तो फिर क्या होगा, साइक्लिक की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तो इसको प्रिंसिपल चेन मानेंगे और इसको सब्स्टिट्यूशन मानेंगे। बताइए ये सारे पॉइंट क्लियर हैं सभी को? चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। समझ गए, हो गए सभी के? नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेम लिखना सीखेंगे। चलो जैसे मुझे इस वाले मॉलिक्यूल्स का नेम लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा? जब पूछता हूं तब तुम लोग बताते नहीं। चलो हो गए, ठीक। अभी हमें नेम लिखना है। चलो तो देखिए, हम लोग सेकेंडरी प्रिफिक्स टेन, प्राइमरी प्रिफिक्स टेन, वर्ड रूट टेन, प्राइमरी सफिक्स टेन, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रिफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे पहले देखो इसमें चेन में ढूंढना है, तो यहाँ पर कोई ब्रांच चेन तो है ही नहीं, तो बस एक ही तो चेन अवेलेबल है और वो भी साइक्लिक चेन है, वही तो प्रिंसिपल चेन होगा। हमने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, तो सिर्फ यही हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। हमने कहा ठीक है, ये प्रिंसिपल चेन हो गए। नंबरिंग आप इसमें किसी भी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं।
क्योंकि सारे के सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, तो आप किसी भी एक कार्बन से लेकर के नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ स्टार्ट किया 1 2 3। अब कोई और सब्स्टिट्यूशन है, यही 1 2 3 क्या हमारा प्रिंसिपल चेन? हमने कहा कोई और सब्स्टिट्यूशन है क्या, तो इन्होंने कहा नहीं, तो नहीं है तो डैश लिख दीजिए। अच्छा, प्राइमरी प्रिफिक्स आप याद कीजिए, किसके लिए यूज करते हैं, साइक्लिक के लिए यूज करते हैं। साइक्लिक है तो क्या यूज करोगे, साइक्लो का यूज करोगे। चलो वर्ड रूट की बात करते हैं, वर्ड रूट क्या कहता है कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं, तो ये 1 से 3 इज द प्रिंसिपल चेन ना, तो क्या हो गया हमारे पास, प्रोपा हो गया। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, वी हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, सो वी विल यूज एन, एंड सेकेंडरी प्रिफिक्स में कुछ भी नहीं है, नेम लिखोगे आप लोग क्या जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। बताइए क्लियर है सभी को, बताएं क्लियर है सभी को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। करेक्ट है, करेक्ट है, साइक्लोब्यूटेन करेक्ट है, सेकेंड का साइक्लोब्यूटेन, थर्ड का बताओ। साइक्लोहेक्सेन करेक्ट है, दिस इज साइक्लो ब्यूटेन एंड दिस वन इज, अरे दिस वन इज साइक्लो हेक्सेन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 से समस्याएं चालू। सबसे पहले मुझे इसका नमनक्लेचर करना है ना, तो मैं कट करता हूं इसको, यहां से कट गया, एक सब्स्टिट्यूशन इधर और एक इधर। अब हमें डिसाइड करने हैं प्रिंसिपल चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इधर और इधर 6 कार्बन है, तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया। अब कहता है नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो अगर ये प्रिंसिपल चेन हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे लिए, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या नेम होगा इसका, तो ये देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ब्रांच के पास फर्दर ब्रांच नहीं है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा ये पेंटाइल आ जाएगा नेम इसका। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे, तो इस कार्बन से चालू करेंगे क्योंकि यही एक सब्स्टिट्यूशन है और इसको लोवेस्ट लोकेशन तो मिलना ही चाहिए, तो 1 2, इधर भी चलो इधर भी चलो, यहाँ पर दोनों सेम है, 2 3 4 5 6, नेम क्या आ जाएगा आपके पास, 1 पेंटाइल। फिर कितना, फिर कुछ है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है, फिर साइक्लो आ जाएगा, तो साइक्लो कितने कार्बन है, 6 हैं, तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है, तो एन 1 पेंटाइल साइक्लो हेक्सेन, 1 पेंटाइल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, बताइए सभी को क्लियर है, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, नहीं है किसी को डाउट नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए।
अच्छा सॉरी, चलो देखिए क्या बोला हमने कि हमने यहाँ से बीच से कट कर लिया है, अब हमें प्रिंसिपल चेन डिसाइड करना है। प्रिंसिपल चेन डिसाइड करने चलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इधर भी 6 और इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 6। तो अब दोनों में अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग? साइक्लिक को प्रायोरिटी देंगे। साइक्लिक की प्रायोरिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया, तो ये सेपरेशन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया आपके पास? 1 हेक्साइल साइक्लो और 6 कार्बन का रिंग है, तो साइक्लो हेक्सेन। बताए, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, है ना? अभी 1 2 3 4 5 और यहां पर भी 5, मगर इधर एक और सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? ये हमारा प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग करने हैं, 1 2 इधर से किया तो भी यही आएगा, इधर से किया 1 2, तो दोनों का लोकेंट क्या आ रहा है? दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, क्योंकि अभी ये भी सब्स्टिट्यूशन है। तो अब किससे करेंगे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। ये पेंटाइल ये ब्रोमो कौन पे ले आएगा? ब्रोमो आएगा, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, देन 2 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन। 5 नहीं होगा, 5 ब्रोमो तो हो ही नहीं सकता। 1 ब्रोमो 2 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन। क्लियर है सभी को? बताइए, सभी लोगों को क्लियर है? ओके टू ब्रोमो नहीं हो सकता ना, अल्फाबेटिकली पहले आता है ना बी आर, तो नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से होगा ना, 1 2 बताया तो था अभी, यहाँ से 1 2 सेम लोकेट, 1 2 सेम लोकेट। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वहां से नंबरिंग फिर चालू कर लेंगे। यस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जल्दी से नोट कीजिए, बाकी कुछ और सवाल हम दे दें यहाँ पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। चलो अभी बताओ क्या आएगा, इसका नेम बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 8 का भी नेम बता देंगे। चलिए और चलो ये दो सवाल जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके आंसर करो। हो गए चलिए वन ब्रोमो। मैं वही बोला कि आपको यहां पर चेक करना है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन पहले लगाने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसके बाद में आता है, नंबरिंग में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन पहले लगता है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, यहां से नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 1, 2 एंड 4 आएगा। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे आप तो 1 यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4। तब सेट लिखिए, अगर मैंने यहां से किया था तो क्या आ गया, 1, 1, 2, 4 है। और बी आर से जब आपने नंबरिंग किया है तो क्या आएगा, 1, 3, 4 आ जाएगा। 2 एंड 3 में 2 लोवेस्ट है तो कौन सा नंबरिंग वैलिड होगा, यहाँ से नंबरिंग वैलिड होगा। बताइए ये पॉइंट क्लियर है, ये नंबरिंग क्लियर है सभी को, ये नंबरिंग क्लियर है सभी को। यस नंबरिंग क्लियर है, ठीक। अब जब नेम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा 4 ब्रोमो, फिर क्या आएगा आपके पास 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। चलो अब यहां पर नंबरिंग करो, यहाँ पर देखो इधर से करोगे 1, 2, 3, यहाँ से भी करोगे 1, 2, 3, दोनों साइड से करने पे सेम चीज आ रहा है, इधर से भी करने पे, इधर से भी करने, सेम ही सेट ऑफ लोकेंट आएगा। अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, तो अब क्या लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी नेम क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ब्रोमो देन
इथाइल देन टू मिथाइल और फिर कितने कार्बन है, साइक्लो साइक्लो हेक्सेन। बताओ अभी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके यहाँ कोई फिक्स दिशा नहीं है, यहाँ कोई फिक्स दिशा नहीं है। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को लगाते हैं हम लोग, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते। होमवर्क कुछ नहीं है, जितना क्लास में सवाल कराया उतना ही सफिशियंट है। और इसके अलावा एमएस चौहान सॉल्व करेंगे। एमएस चौहान में आज भेज, कल, अच्छा कल ही भेजना था, मैं भेजा, मैं आज सेंड कर देता हूँ। पर एमएस चौहान पे भी अभी ज्यादा सवाल आप कर नहीं सकते, ठीक है? फिर भी मैं सेंड करता हूँ एमएस चौहान, वहां से कुछ एक सवाल कर सकते। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस आई एडमिन ग्रुप, ओके मैं कर देता हूँ यार। ठीक ठीक ओके चलो फिर, ओके थैंक यू। चलिए फिर क्लास बंद करते हैं आज की। ओके थैंक यू।